हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल करीम फोटोग्राफी। आज हम बात करेंगे सिग्मा 16mm f1.4 EFM लेंस के बारे में। रिसेंटली मैं अपने दोस्तों के साथ टैंगमेंट गया था, वहां पर स्ट्रीट फोटोग्राफी करने के लिए मैं दोनों लेंस इस्तेमाल किया, सिग्मा 16mm भी इस्तेमाल किया और कैनन का 50mm भी इस्तेमाल किया। इसके पर ऐसा हाथ रखो, इसके यहाँ यहाँ स्माइल स्माइल। थोड़ा सा स्माइल करो, स्माइल प्लीज। कैमरा की स्माइल स्माइल, थैंक यू। देखो लास्ट वीडियो में मैं इसके बारे में मेंशन कर रहा था और काफ़ी मुद्दतों के बाद ये एक लेंस जो है मेरे हाथ में आया। पहले तो ये अवेलेबल नहीं था पूरे हैदराबाद में, एक 10-15 दिन वेट करने के बाद अब मेरे हाथ में आया और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो अगर आपके पास कैनन M50 है या M50 Mark II है या कोई भी कैनन के एम सीरीज़ के कैमराज जो है अगर आपके पास है तो देन यू मस्ट हैव दिस लेंस। ये लेंस बहुत अमेजिंग है, इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ करा। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि इट्स अ वाइड एंगल लेंस, 16mm है और विच इज़ गुड फॉर ब्लॉगिंग। आप इस तरह के वीडियोज़ भी बना सकते हो, यूट्यूब वीडियोज़ अगर आप एक जगह बैठ के बनाते हो तो बहुत काम में आएगा आपको। पहले मैं 50mm f1.8 इस्तेमाल करता था, वो मेरा फेवरेट लेंस है, बहुत सालों से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और आगे भी यूज़ करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि 16mm ले लिया f1.4 तो उसको मैं भूल जाऊँगा, उसका अलग काम है। पहले मैं इस तरह के जब वीडियोज़ बनाता था यूट्यूब के ट्राईपॉड से और जहाँ पर मैं बैठूँ उसके बीच में कम से कम 7-8 feet का फासला होना ज़रूरी रहता है, तब प्रॉपरली आप फ्रेम में आ सकते हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है आपको। बट ये बहुत अमेजिंग है, वन हैंड डिस्टेंस है और इजीली मैं आराम से जब चाहे तब इसको कुछ अगर मेरे को सेटिंग्स चेंज करना हो तो मैं इजीली कर सकता हूँ, उठ के जाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग लगा। दूसरा रीज़न ये है कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, नाइस ब्लरी बैकग्राउंड आप जो मेरे पीछे देख रहे हो 1.4 से काफ़ी अच्छा ब्लर मिलेगा और आई गेस सब्जेक्ट जो है शार्प नज़र आएगा। माइक कितना ब्लर होगा ये देख पाएगा? आप भी ब्लर हो गए अन्ना, जो भी आपके साथ ठहरेंगे वो भी पीछे जो है ब्लर हो जाएंगे। आप थोड़ा करीब आ सकते है ना? वाह, बहुत जबरदस्त है। तो मेरे लिए ये लेंस खरीदने का वन ऑफ द मेन रीज़न यही है कि 1.4 जो जिसका अपर्चर है इसकी वजह से जो नाइस ब्लरी बैकग्राउंड आपको जो मिल रहा, इसका ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये लेंस खरीदा। और तीसरा ये है कि लो लाइट परफॉर्मेंस, लो लाइट कंडीशंस में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि बहुत लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका। अभी शाम के कितने बज रहे भैया? 6:30 में मतलब ऐसा हाल है, तो मतलब आप समझ लो कहीं पर भी अगर लाइट की अगर मसला आए तो आपको तो ये लेंस आपको प्रोड्यूसर्स सेव कर लेता दिन आपका। एज यू नो ज़्यादातर मैं फूड फोटोग्राफी करता हूँ तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ये लेंस क्या फूड फोटोग्राफी के लिए या फूड वीडियोस के लिए काम में आ सकता है या नहीं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ टैंगमेंट से सीधा गया हिमायत नगर, वहाँ पर मसाला रिपब्लिक नज़र आया तो हम लोग वहाँ पर गए, कुछ फूड शॉट्स लिए हमें ये देखने के लिए कि कितना अच्छे से ये काम में आ सकता है या नहीं मेरे लिए। तो मैं कुछ फूड शॉट्स लिया
और मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा आप फूड के करीब जा सकते हो ना, उतना ज़्यादा फूड आपको अपीलिंग और माउथ वाटरिंग दिखाई देगा। तो ये लेंस से भी काफ़ी करीब जा सकते हो आपके सब्जेक्ट के, आपके फूड के। इस लेंस को यूज़ करने के बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करा, और जैसा जैसा मैं यूज़ करता जाऊंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा और शेयर करूंगा, ठीक है। अगर आपको भी ये लेंस ख़रीदना हो तो आप अमेज़न से ख़रीद सकते हो, अमेज़न पे अवेलेबल है, 35,000 के आसपास आपको ये मिलेगा। ओके, तो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।